थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया एक आम आदमी को इतना प्यार देने के लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, आजकल दिल्ली में हालात ऐसे हो गए हैं, आप अपने आप को आम बोलो वैसे ही आप खास हो जाते हो। कहते हैं दिल्ली जिसे प्यार कर ले उसे पूरे हिंदुस्तान के दिल में जगह मिल जाती है। शायद यही रीजन था कि हम अपने नए शो की शुरुआत दिल्ली से कर रहे हैं। एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जो हमसे पास लेकर आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जो लोग बिना जान पहचान के जुगाड़ करके आए हैं उनको मेरा सल्यूट है। आप लोग देश का गौरव हैं। और जो बिना पास के अंदर घुस आए हैं मैं मोदी जी से बोल के उनकी पेंशन लगवाने वाला हूं। आप लोग कमाल हैं। कई मियां बीवी को दो पास मिलते ना, साथ में 12 साल का बच्चा लेके आ जाती हैं। भैया ये तो 6 साल का, इसको तो आने दो। भैया ये तो ऐसे ही आ गया। मैंने कहा पास दो, 3 कैसे आ गए? मैं पास की बात नहीं करनी हुई, दुनिया में ऐसे आ गया, कोई प्लानिंग नहीं थी। एक्चुअली क्या है ना, एक बार मेरे हस्बैंड के ऑफिस में स्ट्राइक चल रही थी तो वो जल्दी घर आ गए, बस फिर ये भी आ गया। जाने दो ना भैया अंदर। अच्छा, देश के किसी भी हिस्से में कोई मूवमेंट चल रहा हो, कोई आंदोलन चल रहा हो, हर आदमी एक ही बात बोलता है, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। मुझे ये नहीं समझ में आता दिल्ली में किसको सुनाने आते हैं ये। मोदी साहब वैसे बिजी हैं, बाकी बच्चे गवर्नर साहब और केजरीवाल साहब वो एक दूसरे की नहीं सुनते, तो सुनाने आते किसको मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, जब से आम आदमी की सरकार दिल्ली में बनी है हर कोई आम आदमी मुख्यमंत्री साहब के पास अजीब अजीब फरमाइश लेके पहुंच जाता है। परसों एक आदमी चला गया, कहना मुख्यमंत्री साहब जैसे आपने बिजली के दाम आधे करवाए हैं मेरी बीवी के खर्चे आधे करवा दीजिए। सामने से सीएम साहब बोल रहे, ओ जी बीवी के खर्चों की वजह से तो मैं सीएम बनाऊं जी, वरना जूस तो मुझे अन्ना हजारे के साथ धरने में मिल जाता था। खैर जोक सपाट, आपको पता है दिल्ली का वेदर आजकल हम लोग वेदर रिपोर्ट में नहीं देखते, हम लोग न्यूज देख लेते हैं। अगर तो सीएम साहब ने मफलर पहना हुआ है समझो सर्दियां हैं। पर कभी कभी कंफ्यूज भी कर देते हैं, मार्च अप्रैल में भी बांध के घूमते हैं। बेसिकली आज ये हमारा शो नहीं है, बेसिकली शो हमारा कल से शुरू हो रहा है, आई मीन 24th of April से। हमारे दिलों में एक बात थी, हमारे सबकी चाहत थी, सब आर्टिस्टों की, चैनल की, कि हम लोग एक बार दिल्ली में जाएं। हमेशा दिल्ली से बहुत प्यार मिला है और आप सब लोगों से लाइव मिलके कुछ मजा करें। सो आज सिर्फ हम लोग मस्ती मजाक करने वाले हैं, और कल से जो शो शुरू हो रहा है द कपिल शर्मा शो, आप लोग जरूर उसको प्यार देंगे हमें उम्मीद है। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए। अच्छा, अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके बारे में मैं जितना जानता हूं उतना ही कम है। कभी कभी मुझे लगता है ये क्रिकेटर है, कभी कभी मुझे लगता है ये पॉलिटिशियन है। कभी मुझे लगता है ये कमेंटेटर है। हार के मैंने एक चीज जान ली है कि एक आध चीज छोड़ के बाकी ये सब कुछ है। प्लीज वेलकम द वेरी ओन लाफ्टर बुद्धा, नो चाइनीज इंटरफेरेंस, प्लीज वेलकम मल्टी टैलेंटेड मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू। रोको रोको रोको, अब थोको। अच्छा, जो मेरे भाई ढोल बजा रहे हैं आपकी पेमेंट हो जाएगी, ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। पाजी आप तकरीबन दिल्ली में भी रहे हो, मुंबई में भी रहे हो, अमृतसर में तो आप रहते ही हैं, आपको दिल्ली अच्छी लगती है या मुंबई? जो हंसते हंसते बीत जाए वो पल खास होता है। वाह, बिना बोले बिना कहे प्यार का एहसास होता है। वाह, वैसे तो कई शहरों में मकान है मेरा, पर ये दिल्ली, दिल्ली, बोल 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 बोल, पर ये दिल्ली मुझे अपना घर लगता है, यहां मुझे स्वर्ग का एहसास होता है। तो दिल्ली में सिद्धू पाजी को स्वर्ग जैसा आभास होता है, भाभी तो अमृतसर में रहती हैं, फिर कौन आपके पास होता है जिसकी वजह से आपको स्वर्ग का आभास होता है? नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं। कभी ऐसा हुआ आपको भाभी ने बुलाओ कि शेरी प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दो?
प्लीज प्लूज कुछ नहीं, शेरी एक कप चाय। अच्छा पाजी चाय बनाते होंगे, मैं सोचता हूँ पाजी चाय कैसे बनाते होंगे। हाँ। चाय बनाए, पतीले में पानी रखा और ये ले करूँ चाय, ये ले पत्ती, ये ले चीनी, ये ले दूध। बाद में पता चला सारा सामान जमीन पे गिरा हुआ है, पतीले में सिर्फ पानी है। पर पाजी आई लव यू यार। पाजी के लिए जोरदार ताली हो जाए। पाजी आप इतने शेर सुनाते हो। हाँ। आपने कभी भाभी के लिए कभी शेर बोला कभी? भाई मैंने तो पहले दिन उसको कह दिया था। क्या? तू मेरा मंदिर, तू मेरा मंदिर, मैं तेरी पूजा। वाह। तू मेरा मंदिर, मैं तेरी पूजा, तू है शेरनी और मैं डरा हुआ चूजा। तो मतलब ये है कि आपने मतलब पहले ही हथियार डाल दी भाभी के सामने। भैया जब मैच जीतने का कोई चांस ही ना हो तो टीम डिक्लेयर कर देनी चाहिए। वैसे ही ईमानदारी है। ईमानदारी है, ईमानदारी। पाजी आप प्लीज जाके अपने सिंहासन पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। सिद्धू पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। साथियों अब मैं आपको अपनी टीम के साथ रूबरू कराना चाहता हूं। मेरे साथी कलाकार, को आर्टिस्ट, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहता हूं मिस्टर अली असगर। प्लीज वेलकम की कुशांडा। अब आपकी तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूं मिस्टर सुनील ग्रोवर। और आपकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर चंदन प्रभाकर। अच्छा जो मेरे दोस्त उनका रास्ता रोक के बैठे, आने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जल्दी छोड़ते नहीं वैसे किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया, अभी आप आराम से बैठ जाइए। मिस्टर अली असगर, किकू शारदा, शुमोना चक्रवर्ती, सुनील ग्रोवर एंड चंदन प्रभाकर। शुक्रिया। ये हैं अली असगर एंड ही इज ए मैन, ट्रस्ट मी। ऊपर वाले की दया से मैं एक मुकम्मल मर्द हूं, लेकिन किसी मर्द के क्रिएटिविटी के चक्कर में मुझे बार बार लड़की बनना पड़ता है। ये है वो आदमी जो मुझे लड़कियों के कपड़ों में डालता है। पता नहीं आपको मेरी मर्दानगी से क्या तकलीफ है, मुझे पता ही है। मैं आपको ऐसे आजकल एक्चुअली ना अली भाई को सच्ची में आदत हो गई। आपको पता है इनकी वाइफ मुझे फोन करके कहती पिछले हफ्ते, कहती आप प्लीज जल्दी से शो शुरू करो, मेरी नाइटी पहन के रात को बच्चों को बोलते मैं ही तुम्हारी असली मम्मी हूं। अली भाई आपका लोग ही डिसाइड करेंगे। आप मिस्टर अली असगर को किस रूप में देखना चाहते हैं, जेंट्स या लेडीज? ओके जो लोग चाहते हैं ये जेंट्स के रूप में आए हाथ खड़ा करें, कोई नहीं। जो चाहते हैं लेडीज के रूप में आए। अली भाई आपकी टेंशन खत्म, जनता के खिलाफ नहीं जाना, आपका सामान पीछे पड़ा है। नहीं लेडीज कहती है समझ में आता, मर्द क्यों हाथ उठाते, मुझसे क्या फायदा मिलेगा आपको? पर मैं उसके बाद मिलाना चाहता हूं किकू शारदा जी को। ये पहले ऐसे क्रांतिकारी कॉमेडियन हैं जो कॉमेडी के चक्कर में जेल भी जा चुके हैं। किकू भाई एक बात बताओ, आपने किया क्या था
अब छोड़िए ना, माफ कीजिए सर। ये तो आपने बाद में बोला था ना, पहले क्या किया था? एक बार जोरदार ताली क्यूँकी भाई के लिए हो जाए। अब मैं आपको उनसे मिलवाने जा रहा हूं, इनसे मिलिए। ये है मल्टी जेंडर आर्टिस्ट मिस्टर सुनील ग्रोवर। कहते हैं हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन भगवान की दया से इनके अंदर ही एक औरत है। सुनील भाई, आप जब आदमी बन के बाहर जाते हो, लोग आपको पहचान लेते हैं? What do you mean? आदमी ही हूं मैं। आदमी बनने का क्या मतलब? मैं औरत बनता हूं भाई। नहीं तो पर आज आदमी के कपड़ों में है, तो कैसा लग रहा है आपको? मेरे को आई एम फीलिंग वे लाइटर। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मेरे सीने से कोई बोझ उतर गया हो। आई एम थैंकफुल टू द होल टीम दैट दिस टाइम आई एम कमिंग एज अ जेंट्स। अच्छा सुनील को कौन कौन जेंट्स के रूप में देखना चाहता है, और लेडीज के रूप में? अब इनसे मिलिए, ये है वेरी फाइन एक्ट्रेस, वेरी फाइन एक्ट्रेस शिमोना चक्रवर्ती। एक्चुअली इनके बारे में खास कुछ था नहीं बोलने को, तो मैंने फाइन एक्ट्रेस बोल दिया। जोक्स अपार्ट, ये टीवी की काफी जानी मानी हस्तियों के साथ काम कर रही है आजकल। Okay, thank Simona, you. आप कुछ कहना चाहेंगे? Thank you, Kapil, so much. Thank you, everyone, for so much of love. Thank you, Delhi. अच्छा शिमोना, एक बात बताओ। हाँ जी। आप कितने साल से एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हैं? कोशिश? मतलब हाँ। वैसे 9 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। शुरुआत डेली सोप से की थी। Okay. Eventually पब्लिक ने मुझे कॉमेडी में काफी ज्यादा पसंद किया, so here I am. तो आपको अपने टैलेंट का काफी देर बाद पता चला? हाँ। पर होठ तो बचपन से ही ऐसे होंगे ना, तो बाद में पूछ रहा हूँ। खबरदार। तो ये है हमारी सारे को आर्टिस्ट, मेरी टीम, मेरा परिवार, इन सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सो मच टीम, आप सब लोग बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जाके जो करना चाहे कर सकते हैं, थोड़ा मैं मस्ती मजाक कर लूं। आप लोग प्लीज आइए, मैं आपको छोड़ के आता हूं। आइए आइए, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तू नहीं गया, तेरे को अलग से धक्के मारूं मैं? मेरे को इंट्रोड्यूस तो करा, सबको करा दिया, मेरे को नहीं कराया आपने। ये मेरे बचपन का दोस्त है, स्कूल में हम लोग साथ पढ़े हैं। इनके बारे में क्या बताऊं, बस इनकी पीठ पे पिंपल हुआ है, तो जो आप मदद करना चाहें इनकी कर सकते हैं। वो पिंपल नहीं, मेरे पीठ पे फोड़ा हुआ है। थोड़ी रिस्पेक्ट दे रहा था मैं उस बीमारी को, तू लाना था तेरे पे। तो ये क्या रिस्पेक्ट दिया आपने, फोड़े को टाई लगा रही है? क्या रिस्पेक्ट दी इसमें आपने? यार देख, ये मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हाँ जी। मेरा सेक्शन ए था, इसका डी था, मेरा इंग्लिश मीडियम था, इसका पंजाबी मीडियम था। हाँ जी, और सबको पता है इंग्लिश किसकी वीक है। अच्छा, अगर हमारी टीम में कोई आम आदमी है तो मेरा ये भाई। आप ना मुझे लाइटली ले रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता है केजरीवाल साहब ना पॉलिटिक्स में आने से पहले से मुझे जानते हैं। चुनाव चिन्ह जो झाड़ू रखा ना, तेरा मुंह देख के आइडिया आया था उनको। मेरे को और ये बता दू, अगले अभी शो में क्या करने वाला है? मैं इधर चाय वाला बनने वाला हूँ। क्या? और ये चाय वाला क्या से क्या बन सकता है, दिल्ली वालों को बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दिल्ली में मैंने देखा हर एक चीज एक्सेस में होती है। आप सब तो दिल्ली के रहने वाले हैं, सर्दी पड़ती है तो अति हो जाती है, गर्मी पड़ती है तो अति हो जाती है, शादियां जब होती हैं तब भी। एक दिन मैंने न्यूज में देखा 40,000 शादियां दिल्ली में एक साथ हो रही थी। इतनी गर्मी में जब शादियां होती हैं, सर्दियों में तो फिर भी चलो हो जाता है, अच्छा गर्मियों में जब शादियां होती हैं तो पसीना नुचुड़ नुचुड़ के थाली में गिर रहा होता है। लोगों को देखने वाले को लगता है आंटी शायद दही बल्ले में लाल मिर्ची डाल के खा रही है, वो सिंदूर टपक रहा होता है उसका। अरे सुबह सिंदूर की वजह से पेट खराब होता है, फिर हलवाई को कमबख्त, तुम्हारे गलत दही भाई खिला दिए मेरे को, ये तो थाई दही बल्ले खराब थे हम, मतलब कुछ भी होता है। अच्छा गर्मी में आदमी लोग तो बेशर्म हो जाते हैं, बड़ा वाला पंखा नहीं चल रहा होता जो शादी में, वहां पे जाके अपनी शर्ट उतार के खड़े हो जाते हैं, ओहो हो बड़ी गर्मी है। अच्छा
पीठ का पसीना सूखा, फिर आगे से खड़ा करके ना अपना पेट खाली करके उसका सुखा रहे होते हैं। ओहो, पसीना ना भी सूख के ना सामने जो अगला आदमी खा रहा है उसकी थाली में गिर जाता है, वो भी रसगुल्ला निचोड़ निचोड़ के खा रहा है, बड़ी गर्मी है, रसगुल्ला भी पसीने छोड़ रहा है। अच्छा, सर्दी में लेडीज लोग, मैंने देखा है ये ना फार्म हाउस में जो बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, ये दिल्ली वालों ने ट्रेंड शुरू किया है, दिसंबर जनवरी में भरी सर्दी में वो बैकलेस ब्लाउज पहन के शादी में चली जाती हैं, शो ऑफ करना होता है, बताती नहीं है कि हमें सर्दी लगती है, बाद में हीटर के ऐसे खड़ी हो जाती हैं आगे, इस बार इतनी सर्दी पड़ी नहीं वैसे, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभी। कुछ मेहमान अभी भी आ रहे हैं, आइए, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। कुछ लोग जानबूझ के भी लेट आते हैं, साड़ी अच्छी पहनी ना तो दिखानी होती कि मैंने ये ली है। यू आर लुकिंग वेरी नाइस मैम। वैसे मैंने एक चीज़ और देखी है, दिल्ली में ज़्यादातर लोग जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये लोग जो होते हैं बड़ा कैलकुलेशन करके चलते हैं कि 26 की उम्र में नौकरी लगेगी, 28 की उम्र में शादी, 30 की उम्र में पहला बच्चा, 34 की उम्र में दूसरा बच्चा। लेकिन मौसम दिल्ली का ऐसा है, कभी कभी इतनी सर्दी पड़ जाती है जो बच्चा 34 की उम्र में आना होता है वो 2 साल पहले भी आ जाता है। तो भगवान ने भी कुछ प्लानिंग की होती है। मुझे एक चीज और लगता है कि ये भी अच्छी चीज है कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, बॉम्बे में होता लोग ऐसे देखते हैं, अरे वो देखो कुतुब मीनार, उनकी अपनी बिल्डिंगें बड़ी ऊंची हैं। मैं तो खुद पंजाब का रहने वाला हूं, मजा आता था पंजाब में भी रहते थे जब, मुंबई में मजा बहुत दिया उस धरती ने। पंजाब में आप खिड़की खोलो, लहलहाते हुए खेत, मुंबई में आप 8वें माले पे, 10वें माले पे, 20वें माले पे खिड़की खोलो, कोई खेत नहीं, सामने फटे हुए कच्चे टंगे हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं को देख के आप इंजॉय करते हो। आइए मैडम, आप भी आइए, वेलकम। जल्दी आ गए आप। अच्छा, सिग्नल पे एक और रिवाज देखा मैंने, सिग्नल होता है ना जब, तो दिल्ली वाले स्कूटर रोक के कहीं पे भी एक नंबर करने लगते हैं, उनकी टाइमिंग बड़ी सेट है, सिग्नल पे चल रहा है ना कि ग्रीन लाइट होने में 8 सेकंड बचे हैं, इधर देख के अपना काम तमाम कर रहे होते हैं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतनी टाइमिंग मैंने दिल्ली के अलावा और कहीं नहीं देखी। सर, दिल्ली में आजकल एक फॉर्मूला चल रहा है इवन ऑड का, तो आपको क्या लगता है ये फॉर्मूला ह्यूमन बींग्स पे लागू होना चाहिए कि एक दिन आदमी बोल रहे हैं, एक दिन औरतें? मैं कोई शादीशुदा आदमी जो मेरा दोस्त अपनी वाइफ के साथ आए हैं, कौन है यहां पे जो अपनी अपनी बीवी के साथ आए हैं? तो माइक ले आइए, इतनी दूर से माइक देने आई पगली, आ जाओ कम है, अरे साथ में चलो, तो लड़की साथ में चलती ना, मेरा चार्ज रहता हूं मैं। सर, बच्चा आपका सो रहा है, कैसी हैं आप? सर, हाँ जी, मेरी वाइफ ये है, शी इज माय सिस्टर इन लॉ। मैंने कब कहा? सर, मैंने तो वैसे ही हालचाल पूछा, मैं समझ गया आपकी सिस्टर इन लॉ है, आपकी वाइफ उधर है, सिस्टर इन लॉ मतलब आपकी साली जी सर, उधर घरवाली जी सर, तो इनके अपने पति नहीं आए? सर, ही इज इन देहरादून। देहरादून, ओके, तो आपकी बीवी साली के साथ आप बिल्कुल जुड़ के बैठे, बीवी के बीच में डिफरेंस क्यों है? ऐसे पूछ रहा हूँ सर, ही इज माय चाइल्ड। मेरे को पता आपका चाइल्ड है सर, आपका भाई तो लग भी नहीं रहा, पर ऐसे सर, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इवन ऑड का जो फार्मूला है वो क्या ह्यूमन बींग्स पे लागू होना चाहिए कि एक दिन आदमी बोले, एक दिन औरत बोले? सर, होना चाहिए। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्या आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता? कैपिटल में रहते हैं, भारत की राजधानी में, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है? सर, जैसे हमारे सिद्धू साहब ने कहा जी, शुरू में बोला कि शादी पे आके भाई तू मेरी पूजा सब, हम तो अब जी सब बोल, मेरा मंदिर तू ही मेरी पूजा, तू है शेरनी मैं डरा हुआ चूजा, उन्होंने बोला ऐसा। जी सर, जी सर। सर, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबको ऐसा ही लगता है सर। कितने मेरे दोस्त हैं जो इनकी बात से सहमत है? आप ओके, तो मैं आपकी बात पे मोहर लगवा के आता हूँ भाई, सबके लिए जोरदार ताली हो जाए एक बार जी। तो ब्रदर, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सूर्या। पंकज कुमार सूर्या। पंकज कुमारी ठीक है, सूर्या आगे कदली रख लिया वैसे, बस रख लिया। अच्छा, तो पंकज कुमार सूर्य जी, आप क्या करते हैं? मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, भविष्य बताते हैं जी। तो आप बीवी के साथ आए हैं? जी, मेरी पत्नी है। आपका पहला बच्चा कब होगा? बस हो जाएगा।
ये भविष्य बताते हैं, तो मैंने सिंपल सी बात पूछी, आपका बच्चा कब होगा, आपको कोई आइडिया? जी बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर होगा। अब ये बात आपने टीवी पे बोल दी है, अब करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल। जी मैम, अगर नहीं हुआ तो पकड़ लेना। आंटी बोल रही इनका एड्रेस ले लो, अगर नहीं हुआ तो पकड़ लेना। भाई मुझे क्या, मैं क्यों उनको पकड़ूं, ये टाइम पे पकड़े तो हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा पंकज कुमार जी आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ईयर। थैंक यू सर, कीप इट अप। थैंक यू सर, हार्ड वर्क पेज ऑफ। थैंक यू बेटा। यस बेटा, हाउ आर यू? आई एम गुड बेटा, हाउ आर यू? फाइन। फाइन, कहां से आए? से दिल्ली। घर से आए? यस सर। अच्छा बेटा, थैंक यू, शुक्रिया। यस, कैन आई शेक हैंड्स? यस यस, व्हाई नॉट। हाउ आर यू बेटा? उल्टी आ रही है? अच्छा मुझे लगा मेरे से स्मेल नहीं अच्छी आ रही, तो शायद उल्टी आ रही। व्हाई यू क्राइंग बेटा? क्या क्राइंग? आई लव यू, थैंक यू। कहाँ बैठे हुए आप? बच्चे बड़ा प्यार करते हैं यार, मैं भी अपने करी लूं जल्दी। यस बेटा, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। मैं एक बार गले मिलना चाहती हूं आपसे। अपने पति से मिलो, मेरे को क्यों? हां जी, मेरी शादी नहीं हुई है अभी। अच्छा फिर लग सकते हो आप, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया आपके प्यार के लिए, थैंक्स थैंक्स। कैसे हैं आप लोग, सब एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? थैंक यू, शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरे दिल्ली वासियों के लिए। दिल्ली ने पूरे भारतवर्ष को बहुत से नेता दिए हैं, बहुत से अभिनेता दिए हैं, और बॉलीवुड का सबसे बड़ा बादशाह Thank you दिल्ली। शाहरुख भाई आपका दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you दिल्ली, thank you everyone, thank you very much, thank you very much, thank you। ये बैठ जाइए, मैं स्वागत कर रहा हूँ अपने भाई का। भाई आपका दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। ये सुनो, ज्यादा मामा मपन दिल्ली वाला मैं हूँ, दिल्ली में आके मेरा स्वागत मत कर, इसका थोड़ा स्वागत कर दो यार यहाँ पे। आप थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। खान साहब आपका स्वागत मैं करता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है, जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही शाहरुख खान जैसा बादशाह सिकंदर। क्या बात है, शाहरुख भाई आपने देखा नहीं आज सिद्धू पाजी? हाँ, थोड़ा सा ना उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। क्यों? हाँ मुझे भी थोड़ा लगा, मैं तो एक प्लेन में साथ में था तभी भी थोड़े उखड़े उखड़े थे। आज प्रॉब्लम ये है ना, वैसे लड़कियां बैठी रहती हैं, आप पीछे वो अंकल बैठे हुए हैं, तीन भाई साहब बैठे हुए हैं। वैसे भाई एक बात पूछनी है आपसे। प्लेन में भी चारों तो लड़के ही बैठे थे इनके, एयरहोस्टेस भी नहीं थी, लड़का ही सर्व कर रहा था आज इनको, तो बड़े तकलीफ में थे। मैं नोट किया इनका, आज बुरा दिन चल रहा है सिद्धू भाजी आपका। फिर ये हार के कॉकपिट में चले गए, इधर भी कोई महिला है कि सिर्फ वो भी उड़ा रहा है बंदा। शाहरुख भाई आप सेल्फी लेने का कितना चार्ज करते हो, अगर कोई लेनी हो सेल्फी तो? अभी यार तेरा पिछला शो जो है अभी अभी निकाला गया है, तुझसे क्या पैसे लूंगा, ऐसे फ्री में ले ले तू यार। सेल्फी लेना चाहता हूँ आपके साथ, एक इधर मुंह करके ले भाई, बैक ऐसे ऐसे करके। थैंक यू। ऐसा क्यों लिया तूने? भाई अभी आप भाई हैं, आपसे क्या छुपाना, मैंने इन सबसे 100-100 रुपया लिया था, मैंने कहा आपकी शाहरुख के साथ सेल्फी लूंगा मैं से। मैंने इन लोगों से 200 लिए कि तू सेल्फी में नहीं होगा, अकेली लूंगा इनके साथ, तो साइड में हो जाए। मजाक कर रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है, इसके साथ मैं कुछ भी कह सकता हूँ यार। थैंक यू शाहरुख भाई। शाहरुख भाई को सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, अभी अभी फैन रिलीज हुई है, सो फैन आपको बहुत अच्छी लग रही है? या भाई कमाल लग रहे हैं आप, दोनों लड़कों ने अच्छा काम किया है। दोनों लड़के नहीं, दोनों लड़के मैं ही हूं यार।
हाँ मतलब जो छोटा वाला है, छोटा वाला भाई, मतलब देखो आप कोई और भी लड़का ले सकते थे फैन बनने के लिए, आपने खुद अपने फैन का रोल किया, उसके लिए चार चार घंटे मेकअप किया, शक्ल खराब की, वाई? एक्चुअली मेरा नहीं है, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं थोड़े कंजूस टाइप हैं, आदित्य चोपड़ा। अच्छा, तो उनका ये कहना था कि यार कि एक एक एक्टर लेंगे तो एक ही को पैसा देना पड़ेगा, दो लेंगे तो डबल पैसा देना पड़ जाएगा, और एक ही टिकट में दो दो मिल जाएं तो ऑडियंस को लगता है एक फ्री में मिल गया शाहरुख खान। तो इस स्टाइल से उन्होंने इसको किया है, दैट्स द ओनली रीजन, अदरवाइज कोई भी रीजन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी सारी फैमिली आई है यहाँ पे? वो और कहाँ जाएंगे भाई, पीछे वेट कर रहे हैं सामान लगा के, आप जब कहो भी बुला लेंगे। जब ये पूरी फैमिली साथ में होती है कपिल की, जितने भी इसके साथ एक्टर्स हैं एक्ट्रेस हैं, एक है उनमें से, शो जो होता है सबसे उम्दा होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, थैंक यू शाहरुख भाई फॉर द शो दैट इज गोइंग टू कम, यो द कपिल शर्मा शो। अच्छा भाई, दिल्ली के ना लड़कों का एक टिपिकल स्टाइल होता है, मैंने जो बड़ी बार देखा टाइम पास होता है इनका, ये टोटे ताड़ने जाते हैं, यही का वर्ड है, मैंने पहली बार सुना है। तो आप जब दिल्ली में रहते थे, आपने टोटे वगैरह ताड़ते थे आप भी? हाँ, मतलब ये तो हमारा हक है, पैदा होते ही दिल्ली वाले का हक है। लेकिन मेरे साथ ना एक दो चीज़ें ऐसी हो गई जिसके बाद मैंने थोड़ा कम कर दिया। मैं ग्रीन पार्क में था, मेरी मैंने गर्लफ्रेंड बनाई थी, नई गर्लफ्रेंड क्या थी, ऐसी दिल्ली वाले जैसे बोलते हैं गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कुछ नहीं थी, ऐसी थी, साथ में घूम रही थी बिचारी लड़की। तो मैं जा रहा था, तो यहाँ पे ना कुछ गुंडे टाइप लड़के, दिल्ली में शोदे भी बहुत होते हैं जी, सब जानते हो ना, शोदे तो समझते हैं सब लोग यहाँ पे। तो एक ने मुझको रोक लिया, बोला कि ये कौन है? तो मैं थोड़ा ना कोलंबस स्कूल से था, मैं शी इज माई गर्लफ्रेंड, यू नो शी इज माई गर्लफ्रेंड, ऐसा गर्लफ्रेंड नहीं है तेरी, भाभी है। तो मैं कहा नो नो शी इज माई गर्लफ्रेंड, अबे साले गर्लफ्रेंड नहीं है भाभी है। और मैं कहा नो नो शी इज माई गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का फ्रेंड खत्म नहीं हुआ, दो कूट कूट के मारे उन्होंने मुझे बहुत ना, एक के हाथ में ना कुल्लड़ था, कुल्लड़ दे के मारा मेरे मुंह पे। अब ये जमाना आ गया, मैं बीवी के साथ भी दिल्ली में निकलता हूँ, कोई पूछता कौन है, कहता मेरी भाभी है। तो मैंने टोटे ताड़ने छोड़ दिए भैया। पर ये बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब अब तो खैर माहौल बड़ा बदल गया है, लेकिन उस जमाने में तो दिल्ली में ये काम पॉसिबल नहीं था। जमाना जमाना क्या कर रहा है तू, मैं बाबर अकबर के साथ नहीं आया हूँ, जमाना जमाना करा यार तू, यार बोलना क्या जा रहा है तू, यार दिल्ली में पंगा मत लियो मुझसे, मैं बताऊं मत। शाहरुख भाई, जैसे मुंबई में बैंड स्टैंड है, छोटा कश्मीर है, ऐसे दिल्ली में आपने बहुत सारी जगह की आविष्कार किया होगा, तो नए कॉलेज के बच्चे आए हैं उनका थोड़ा भविष्य बन जाएगा, बता दो उनको कहीं मिलना मिलना हो तो कहाँ मिल सकते हैं आपको? Actually, तो कोने पता होंगे। मैं समझ रहा हूँ तू क्या पूछ रहा है, मैं सब समझ गया हूँ। मैं बिल्कुल, हमारे दिल्ली जो है ना दिल वालों की है, जहाँ दिल आया वही जगह बना लेते हैं हम लोग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे जमाने में JNU थी, लेकिन वहां पे एंट्री आजकल बंद है, तो नहीं घुसना वहां पे। भाई आप शुरू से दिल्ली में रह रहे हैं, जैसे दूसरे शहरों में पानी की कमी होती है, यहाँ पे भी होती थी कमी या अभी भी होती है आपको लगता है? यार पानी की कमी तो दुनिया भर में और बहुत तकलीफ है, लेकिन दिल्ली वाले बड़े एडजस्टिंग नेचर हैं, हम लोग सब जानते हैं दिल्ली के हैं, एडजस्टिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही पानी की कमी होती है, घर में आया नहीं नल के अंदर पानी, तो हम धरने पे चले जाते हैं, पुलिस वहां के पानी मारती है, वहीं पे नहा धो लेते हैं हम लोग। और आजकल तो पुलिस भी फोन करती रिश्तेदारों को, अरे नहाए धोए नहीं, पानी नहीं आया तो जंतर मंतर पहुंच जाओ, फ्रेश वाला डाल रहे हैं आज वहां पर, हम एडजस्टिंग है थोड़े से। शाहरुख भाई, मैं दिल्ली के लोगों से भी, मैं आपके आने से पहले भी बात कर रहा था, लोगों में पेशेंस खत्म हो गई है, न्यूज़ में हम लोग अलग अलग चीज़ें देखते हैं, हमले हो जाते हैं कुछ, मुझे ऐसा लगता है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी भी होती है ना भाई, मंदिरों में होनी चाहिए, ताकि सब जूते बाहर उतार के मंदिर में बैठें, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप सबको पता ही है शाहरुख भाई का घर दिल्ली में है, लेकिन आप में से किसी ने सुना बच्चन साहब का घर भी यहाँ पे है एक? भाई वो बच्चन साहब यहाँ पे क्यों नहीं रहते? यार बुरा मत, सच बता, मतलब दिल्ली में कुतुब मीनार तो एक ही हो सकता है ना यार। भाई मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली वाले लोगों से पूछा जाए कि वो दिल्ली के बारे में कितना जानते हैं। हाँ ये तो पूछना चाहिए, बनता है ना हमारा? बनता है, बनता है, बिल्कुल बनता है, जाना चाहिए हमें। हाँ एब्सोल्युटली। तो एक बार जोरदार ताली शाहरुख भाई के लिए, हम लोग आपके बीच में आ रहे हैं। भाई हमने मिलके दिल्ली वालों की नॉलेज चेक करनी है कि इनको दिल्ली के बारे में कितना पता है। माइक दीजिए मैडम को। एक्सक्यूज मी, शो मेरा आ रहा है। कैसे यार? अच्छा
हमारी बात भी सुन लो, पप्पियां बाद में हो जाएंगी. मैंने कहा जी एक बात तो बताइए, दिल्ली की सर्दी अच्छी लगती है कि गर्मी अच्छी लगती है आपको? सर्दी. आप भी इस बात से सहमत है भाई, आपको दिल्ली की सर्दी अच्छी लगती है कि गर्मी? मुझे तो जो लड़कियों को अच्छी लगती है वही मुझे भी अच्छी लगती है. मैं इस मामले में स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं. भाई आप शुरू से ही चालू थे. तो आपको सर्दी अच्छी लगती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इंटेलेक्चुअल थिंग? मुझे सर्दियों वाले कपड़े बहुत पसंद है. उस हिसाब से लड़कों को गर्मियां बहुत अच्छी लगती हैं. दिल्ली के बारे में आप कितना जानती हैं? शाहरुख भाई के कॉलेज का नाम बताइए. जामिया. जामिया एंड हंसराज. ओके, आपके दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके घर का नाम क्या है? केजू. केजू. किसने बोला आपको केजू? बस मुझे सर लगा. नो, उनके घर का नाम है बेबी. सर किसी का? क्योंकि हर बीवी अपने पति को बेबी बुलाती, चाहे बेबी का पेट निकला हुआ हो. पर नहीं. ओके, सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू भाई. ये सब आपके चाहने वाले हैं, इनको एक बार आप हाथ हिला दीजिए. यो शाहरुख भाई, ये काफी देर से इंतजार कर रहे थे आप कब मिले. ये खास तौर पे ये आपसे मिलने आई हैं. अच्छा आप बात तो कर लो, अभी फोटो तो आपकी होती रहेगी. आपका एक डायलॉग था ओम शांति ओम में कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको ढूंढने में मदद करती है. आज कपिल जी के शो ने मुझे आपके साथ, आई एम सो सो ब्लेस्ड टू बी विद यू. जय हो कपिल जी की शो की. लाइए 1000 रुपया निकालिए, मिलाया आपको शाहरुख से हमने. वेलकम. ओके, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए. जी सर. गुड इवनिंग सर. कपिल सर थैंक यू सो मच. आई एम बिग फैन ऑफ yours. ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही आप पे मरती है, मैं भी आप पे मरता हूँ सर. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. हाँ, और मैं कुवैत से आया हूँ सर. आई हैव समथिंग टू गिव यू सर, इफ यू डोंट माइंड. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश. ब्लेस यू. मेरी बीवी बोलती है कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ सर. तो आप नहीं होते उनके साथ रोमांटिक? मैं हुआ करो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है. सर मेरी अपनी प्रॉपर्टी, मैं शाहरुख भाई को देख के इतना मोटिवेट हो जाता हूँ कि मैं हमेशा उसको कुछ ना कुछ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ. क्या करके दिखाते हो अपनी वाइफ को, मुझे बताओ. मैं आपकी बीवी हूँ, मैं क्या बोलूँ आपको? आप मुझे बाबा बुलाएं. बाबा. मैं आपको बाबा बुलाऊं? जी. अच्छा संजय दत्त आओ. जी बाबा. I'm so sorry. Shut I'm up. So sorry for today. Sorry for what? ये टाइम है घर आने का, इतनी जल्दी क्यों आ गए? Actually थोड़ा सा काम था तो इसीलिए लेट हो गया. किस चीज का काम था? ऑफिस में थोड़ा काम था. तो रहो. ओ, क्या कर रहा तू? सर मैं सर मेरी आवाज बीवी के सामने निकलती नहीं है. अच्छा उसलिए कर रहा ना, मेरी कॉपी तो नहीं कर रहा ना. ऑफिस. ऐसा तू ज्यादा गले मत पड़, तू पहले करके दिखा मुझको. कहाँ रह गए थे आप? जी बाबू मैं ऑफिस में था. बाबू को मतलब, मेरा नाम मीना है, कॉल मी मीना. बाबू क्या होता है? बाबू आपके पिताजी का नाम है. ऑफिस रह गए थे सारा दिन. ऑफिस ऑफिस ऑफिस. बच्चे भी ऑफिस में पैदा कर लेना, मेरी क्या जरूरत है आपको? शाहरुख भाई यहां से मैं आगे बढ़ नहीं पाता हूं, तो मैं कैसे करके दिखाऊं सिचुएशन? टॉक टू मी. ओए शाहरुख भाई मुझे सिखाएंगे? मेरा ख्याल आप नहीं रखते, मेरा ख्याल आप नहीं रखते. ना भी आपकी बटन में से झांक रही है. यू चीटर. अब शाहरुख भाई मुझे सिखाएंगे कि इससे आगे कैसे बढ़ना है, कैसे मनाना है? शाहरुख भाई नहीं सिखाएंगे, वो खुद करेंगे जाके. आपको क्यों सिखाए? और हो सकता है तेरे घर जाकर करूं मैं तो. शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच. थैंक यू आकाश, गॉड ब्लेस यू. एक्सक्यूज मी. जी. एक्सक्यूज. हाय शाहरुख. हाय, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड टू सी यू टू. वो एक्चुअली दरअसल मैं यहाँ से निकल ही रही थी, आपको देखा तो सोचा मिलती हुई चलूं. कितना झूठ. इधर से स्टेडियम के बीच में से कौन निकलता है? चलो कैसे, मैं भी दिल्ली से हूँ.
ओह दिल्ली से हो तुम रियली? इसका यही हाल है भाई, इसका छोड़ो, इसका तो कल बस में सफर कर रही थी, कंडक्टर बोलता टिकट, कहती मैं तो बस में पैदा हुई थी, मुझसे काहे की टिकट, ए झूठ बोलती रहती है। देखिए यू आर हाईली मिस्टेकन, लेकिन मेरे पीछे लड़कों की लाइन लग जाती है। तो आप लेडीज टॉयलेट में जाया करें ना। तुम्हारे कपिल सारे के सारे शो पे जो लड़के हैं लड़की, तो ये लड़का है ये? ये भी लड़का है? नहीं शाहरुख, असली मैं ही तो एक ओरिजिनल लड़की हूँ। Oh, I'm so sorry, I'm sorry. Because सारे के सारे लड़के लड़कियाँ बनते हैं ना शो में, तो मैं समझा तुम भी। Full girl inside out. Oh, I'm sorry. Then let me hug you like a girl, please. Yeah, thank you. Okay. Yeah. मुझे शाहरुख से कुछ हेल्प चाहिए। किस चीज़ में? वो मैं फिल्म में ट्राई करना चाहती हूँ। पीछे जाके ट्राई करो, सब देख रहे हैं, इधर जाओ फिल्म में। देखिए मिस्टर, अगर आपने मुझे ज्यादा तंग किया ना, तो मैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी से आपकी शिकायत कर दूंगी। कर दूं? वो तो खुद दूसरों की शिकायत करने में लगे रहते हैं, वो तुम्हारी क्यों सुन रही है? No, really, एक बात बताओ, तुम्हारी शिकायत क्यों सुनोगे? उनके मफलर धोती हो तुम? हैं? नहीं नहीं, मैं मफलर नहीं धोती, वो मैं सोच रही हूँ पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूँ एक्चुअली। ओके ओके, वेरी गुड। ज्वाइन तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप एग्जिट ज्वाइन करें। आप मुझे पॉलिटिक्स के कुछ टिप्स क्यों नहीं दे देते? ऐसा है, तुम यहाँ पर आई हो, तुमने एंट्री की है, एग्जिट करी है। मैंने पॉलिटिक्स की अगर बात की ना, करूंगी। हाँ, एग्जिट अभी करोगी तुम, तुमने एंट्री की है, लेकिन मैं अगर पॉलिटिक्स की बात करूंगा ना, तो बहुत सारी जगहों से मेरी एंट्री जो है कैंसिल हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा। आप अगर पॉलिटिक्स में आती हैं, तो आप क्या करेंगी? मैं लोगों की सारी मांगे पूरी करूंगी। ए दिल्ली में ऐसा मत बोलो, दिल्ली वाले कुछ भी मांग सकते हैं, प्लीज। तो सबसे पहले मैं आई विल इंश्योर कि यहाँ के पुलिस वाले रोमांटिक कपल्स को तंग ना करें। क्यों, तुम बहुत बार पकड़ी गई हो क्या? मैं हर 2 किलोमीटर पे एक शौचालय बनवाऊंगी। अपना हाजमा ठीक कराओ, हर 2 किलोमीटर पे शौचालय कौन बनाता है भाई? क्या है, तुम इतना तंग क्यों करते हो मुझे कपिल शर्मा? यार तुम तंग कर रही हो, मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ तुम्हें? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता पता है। मेरा तो हो गया, आ गया, लॉन्च हो गया। All the best to you. आप पता नहीं किसके साथ अटक गए हो यहाँ पे, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, but you have to help me. नहीं, अब मुझे मालूम पड़ गया है, तुम backstage wait करो, कि you're the only girl the show, मैं आके तुमसे वहाँ पे मिलता हूँ पक्का. Yeah. Thank you. इन मर्दों के साथ मैं bore हो चुका हूँ. अकेली खुश हो रही, किसी ने response नहीं दिया. Because everyone is jealous. I'm the lucky girl. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. आपको पता है शाहरुख भाई को बहुत काम करते हैं आप लोगों ने देखा है, एक्शन करते हुए देखा है, रोमांस करते हुए देखा है, किसी ने गाना गाते हुए शायद नहीं सुना है। तो आप शाहरुख भाई यहाँ से हैं, आपकी लव स्टोरी यहाँ से शुरू हुई, आपकी अर्धांगिनी इस शहर से हैं, आज गौरी भाभी के लिए एक गाना तो बनता है, मैं तो बोल रहा हूँ, आप लोग एग्री करते हैं? एक गाना मैं वो गाना गाता हूँ जो मैं उनके लिए गाया करता था, एक ही गाना है, मेरी बीवी का नाम गौरी है। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा क्यों आधा आधा जवां रे, आधा जवां रे, बस। ओहो, अच्छा बीच में यहाँ पे शाहरुख भाई की ससुराल से भी कुछ लोग आए हैं जो आज तालियां बजा रहे हैं, किसी टाइम पे शाहरुख भाई को मारने को दौड़ते थे ये लोग, जब गौरी बाबा के पीछे शाहरुख भाई जाते थे, पर एनीवेज एक बार शाहरुख भाई के लिए जोरदार तालियां, और हमारे जो पीछे दोस्त हैं और जो हमारे पुलिस वाले दोस्त हैं, जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से आज ये शो जो है आपके शहर में हो रहा है, हमारे दोस्तों के लिए जोरदार तालियां हो जाए हमारी दिल्ली पुलिस। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिल्ली पुलिस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। यार आपको पता फिल्म फैन में शाहरुख भाई ने किरदार निभाया है, उसका नाम आर्यन है, जो कि इनके बेटे का नाम है, बड़े बेटे का नाम। छोटे बेटे ने बुरा नहीं माना अब्राहम ने? नहीं, मेरा छोटा बेटा अभी कुछ भी नहीं मानता यार, उसको कुछ समझ ही नहीं है, वो इतना कंफ्यूज है, क्योंकि हमारे घर में सब मराठी बोलते हैं, हम जो हैं दिल्ली वाली भाषा बोलते हैं, कुछ लोग बेटे जो हैं अंग्रेजी बोलते हैं, और जो उनकी जो नैनी है ना वो मलयालम बोलती हैं। अच्छा, हाँ, तो उन बेचारों का जो है हम वो बात, मतलब जब बात करते हैं इतनी अजीब तरह से बात करते हैं, पापा पापा दिस इज वेरी हैवी, तो उनका आधा साउथ इंडियन है आधा मराठी एक्सेंट है, वो ट्रूली
ट्रूली पेट्रियोटिक ऑल इंडिया चाइल्ड है वो, सारी भाषाओं में बात करते हैं वो इस वक्त. पर मेरी रिक्वेस्ट है भाई पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, आपका बेटा बहुत ही प्यारा है अब्राहम, पर आप उसको हिंदी जरूर सिखाइएगा. प्रॉपर साउथ इंडियन सीख गया तो कैसा लगेगा, शाहरुख खान का बेटा, पापा पापा ना रेखन डेढ़ ने. अच्छा एक सवाल मेरे दिल में है अनुराग भाजी, आईपीएल आप सारा संभालते, सारा क्रिकेट देखते हैं, अनुराग भाई बहुत ही बिजी इंसान है और आज स्पेशली वक्त निकाल के हमारे यहाँ आए पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया. आपके सामने मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, आप दिल्ली से हो, रहते मुंबई में हो, क्रिकेट टीम आपने कोलकाता की ली हुई है, वाई? इसका बहुत बेसिक रीजन है, तुम भी समझते होगे. दिल्ली में क्या होता है, जब भी कोई शो करो तो फ्री पासिस बहुत देने पड़ते हैं, तुमने भी बहुत दिए होंगे यहाँ पे. तो क्या है, इधर दिल्ली के स्टेडियम में कमाई नहीं है, वांखड़े में घुसने देते वहां घुसाई नहीं है. तो जहां मुझे ममता मिली मैं वहां चला गया. सिर्फ हंसता ही रहेगा क्या? बसों में भी लिखा है जनानियों को बैठने दी जाए. गोद में बैठूं? दिल्ली ना सुधरेंगे नहीं. अब ऊपर आ गया. अरे कैसे है ठाकुर साहब, आदाब. सुना है बड़ी रिचेस्ट बॉडी है आपकी, कहाँ कहाँ हीरे लगे बताइए. एक्सक्यूज मी, वो BCCI रिचेस्ट बॉडी के सेक्रेटरी हैं आप, प्लीज तमीज से बात करें. पता है मुझे. ये क्या, क्रिकेट 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 क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट ही खेलते रहेंगे क्या? हमारा वाला गेम भी खेलो कभी. लुक्का छुपी. हाँ बखुदा ठाकुर साहब, ऐसी जगह छुपाऊंगी आपको घंटों तक कोई नहीं ढूंढ पाएगा हमें दोनों को. मेरे देव बाबू, देव बाबू, देव बाबू, पहचानो? पहचाना मुझे? नहीं नहीं मैं बिल्कुल. मैं लखनऊ से, जरा गौर से देखो मेरे अंदर भी चंद्रमुखी छुपी है. मुझे तुम्हारे अंदर छुपा हुआ चुन्नी बाबू दिखाई दे रहा है, चंद्रमुखी नहीं दिखाई दे रही. मेरे से जरा तमीज से बात करो, मैं वैसी नहीं हूँ. यहाँ जो लाल किला और कुतुब मीनार है ना, वो मेरे नवाब साहब ने बनाया है. क्या भैकी भैकी बातें कर रही है, मुझे लगता है बिहार की तरह दिल्ली में भी शराब बंद करानी पड़ेगी यार. तो बंद कर दो ना. आप करने के आई हैं यहाँ पे, आप रीजन बताएंगे आप? आपको पता है मैं अपने लिए एक नवाब ढूंढने के लिए आई हूँ. प्लीज आप मेरी तरफ मत देखिए, मैं किसी का नवाब हूँ, मेरे पास बेगम भी है और दिल्ली वालों के सामने मैं बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं कर सकता हूँ. सो प्लीज आप आगे पीछे मत घूमिए मेरे. नहीं कर सकते मतलब? नहीं तुम ऐसा वो किस विस करती हो तो बड़ा रेपुटेशन खराब होता है यार. तो इस बार आप कर देना. इसमें कौन सी बात है, मैंने कितना कुछ सुना है आपके बारे में, आप कितना चैरिटी करते हो. हाँ बट आज और ये दिल्ली है, चैरिटी बिगिंस एट होम. ये चैरिटी वाली काम क्या कर रही हैं आप, परेशान कर रही हैं शाहरुख खान को. इतनी बाहर जनता हजारों में बैठी हुई, जहां ढूंढ लीजिए ना जाके, आप क्यों परेशान कर रही हैं? प्लीज जरा इन्हें बता तो दो पहले कि मुझे कैसे जीत सकते हैं. ओके तो मैं अपनी फिल्म का डायलॉग तुम्हारे साथ बोल देता हूँ प्यार से. हाँ. और जो भी नवाब इनको जीतने के लिए यहाँ पर आए वो प्लीज कोशिश करें कि इस डायलॉग को ऐसे ही बोलें और बेगम का दिल जीत सकें. तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान. भाई ये घुटना तोड़ेगी आपका, हट. फिर से बोली, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है. मैं करता हूं कैसे यार, तुम उतर जाओ बस. थैंक यू सर. भाई आप आराम से बैठ के आप अपने लिए ढूंढ लीजिए ना नवाब, आप क्यों परेशान कर रही जाइए. शुक्रिया खान साहब. थैंक यू बेगम. बहुत बहुत शुक्रिया. देखा ओ भाई ये परेशान करेंगे आपको, आप जब हट. दो अलग अलग चॉइसेस है, दो अलग अलग रेंज है.
यूजली नवाब तो इसी उम्र में मिलते हैं। ये एक जबेस को भी मिल गया है। इधर आ। चल पहला तू ट्राई कर, अपनी किस्मत आजमा ले। जैसे मेरे देव बाबू ने किया वैसे ही करना है। ठीक है। ये तरफ से आ। ठीक है। इधर से आ। तरफ से आ। अब पड़ गा। डायलॉग है। तेरी आंखों की गर्मी, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी आंखों की रूह की मस्तियां। तू बोल मत। तू मुंह हिला बस, मुंह हिला और मसल हिला। जैसे वो बोल रहे, खाली होठ हिला। होठ बोल रही हूँ। चल। टू थ्री। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, घुमाओ उसको अभी। डंबल की तरह मत ट्रीट कर, लड़की की तरह ट्रीट कर। तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, आस्ते भीग गए नहीं भूलूंगा मैं। आस्ते भीग गए। अब आखिरी तीन लाइन खुद बोल ले प्लीज। आस्ते भीग गए। जब तक है जहां, जब तक है जहां, जब तक है जहां। तू डंबल ही उठा जा। खुद बोलोगे या उनसे बुलवाऊं? आप बोलिए। कन्यादान का श्लोक मत पढ़ देना कोई। कोई श्लोक नहीं। वापस उठ जाओगे ना बैठने के बाद? आंखों का एक्सप्रेशन दिखने दो। नहीं चश्मा नहीं कर, टोपी नहीं। बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। क्या कर रही हो? वन टू थ्री। होंठ तो हिलाओ। क्या बात है। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है। मैं सब डायलॉग भूल गया हूँ। तेरी चेहरे में वो कशिश है कि वह बिल्कुल भूल गया। रिश्ता मांगना है, मुजरा दिखने आए। कि किसका पार्सल ले जाओ। बहुत टाइम से भरा पड़ा था लगता है। चल बाबा जा। किसका पार्सल ले जाओ। ठीक है, इनका कुछ फिजिकल टेस्ट लेकर आती हूँ मैं अंदर से। चल जिबिस को। जिबिस को। आइए अब्बा जान। आधा वर्ष है। आधा वर्ष। अरे शाहरुख खान साहब, आधा वर्ष है। कपिल शर्मा साहब कहाँ है? भाई साहब आप कौन है? हम है नवाब मूलचंद खान। पूरे दिल्ली में हमारा डंका बजता है। पूरे दिल्ली में आपका डंका बजता है? आपके डंके पे सूजन नहीं आती? आपके डंके पे दर्द नहीं होती? डंका आपका काफी बड़ा भी हो गया है। आपके डंके पे सूजन। आप यहाँ कर क्या रहे हैं भाई साहब? वैसे भाई दबे भाई अपनी बेगम को ढूंढ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? यू हैव प्रॉब्लम। सही बोला। बेगम आपकी है ही नहीं कहीं यहाँ पे। पढ़ लीजिए। बेगम आप या बेगम ये कौन है आपके साथ? ये दोनों ये क्या है? हम लल्ला आप जिंदा है? हाँ? मुझे तो लगा था कि आप अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। मैंने तो आपके नाम की नान कटाई भी बांट दी थी। आपके जाने की खुशी में दो दो नवाब को मैंने सिलेक्ट किया था। बादशाह तो वैसे ही मेरा है। अब इनका मैं क्या करूं? इन दोनों की टेंशन आप मत लीजिए, इनके सर हम अभी कलम कर देते हैं। ये चाहिए चाहिए फंक्शन। भाई कैसी है आप बेगम? हमारी प्यारी लुच्ची। कोई अपनी बेगम का नाम लुच्ची रखता है? अब भाई पूरी आवाम प्यार से जिस नाम से आपको पुकारती है, हमने सोचा हम भी उसी नाम से पुकार लेते हैं। और बाकी आपके नाम का हमने क्या क्या नहीं बनवाया? लुच्ची के जूते, लुच्ची के बैग, शूज, एक्सेसरीज, क्या क्या नहीं बनवाया? बड़े आए नवाब कहीं के, किया क्या है आज तक आपने हमारे लिए? अरे हमने आपके लिए वो अपना ये ताजमहल बनाया। वो तो शाहजहां ने बनाया था। नहीं नहीं, शाहजहां ने बनवाया था, बनाया हमने था, हम मजदूर थे ना वहां पर। और बनने के बाद हमारे हाथ काटने के लिए शाहजहां हमें पीछे दौड़े भी थे, और हम अपने हाथ फोल्ड करके यूं भागे डर के। अरे भाई छोड़ दो
फिर शायद उन्हें हमारा डांस पसंद आ गया तो उन्होंने कहा कि भाई चलो तुम्हारे हाथ नहीं काटते बस टीडीएस काट के छोड़ देते। शुक्र है सिर्फ टीडीएस काटा, सर्विस टैक्स नहीं। 14.5%। एक बात कान खोल के सुन लो, मजदूरी से तुम इस बेगम को नहीं जीत सकते, समझे? अरे ये क्या बात हो गई भाई, अब आप ही बताइए आपके लिए हम क्या करें। अरे अपनी बेगम के लिए कोई शेर कहे ना नवाब साहब। आपने गालिब को सुना है? जी सुना है। फिर तो हमारा शेर बड़ा घटिया लगेगा आपको, कहां का आपका हाथ उठ जाएगा, हमारा गाल लाल हो जाएगा। छोड़िए शेर और शायरी में क्या रखा है। ऐसे नवाब से तो अच्छे टुंडे कबाब है जो गरम भी रहते साथ में तीखा भी। वाह, हम जरा से इवन क्या हुए, ये तो ऑड हो गई। बड़े ईश्वर राय से सीधा आप फ्रॉड हो गई। ऐसी बात नहीं है, आपसे प्यार करते हैं। देखिए ये कितनी प्यारी सी जो केक है हम आपके लिए बनवा के लाए। ये देखिए आप बाहर जाके करिए ये सब कुछ। अरे छोड़िए, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, नहीं एक मिनट, एक्सक्यूज मी, वन मिनट, रुक जाइए, अरे हटिए। शाहरुख भाई आप भी मंच पे आइए। अरे चुप, चुप करो, शोर मत करो, चुप करो दिल्ली वालों। दस बज गए, बंद करो ये सब ड्रामा, क्या चला रखा है यहाँ पे। कहाँ, अभी तो 9 बजे, आप पहले आ गई हैं। अब ड्यूटी करने के लिए 10 बजने का वेट करें? मैं तो 9:30 बजे घर पहुंच जाती हूँ। तो 10 बजे तक आपकी ड्यूटी है, 9:30 कैसे पहुंच जाती हैं? ड्यूटी तो मेरी 12 बजे तक है, 9:30 बजे लास्ट ट्रेन होती है ना, तो जाना पड़ता है हमको। अच्छा मैंने सुना यहाँ पे शाहरुख खान आए हुए हैं, तुम शाहरुख खान हो? नहीं मैं कपिल शर्मा हूँ, शाहरुख खान ये है। ये शाहरुख खान है, मैं कैसे मान लूँ ये शाहरुख खान है भाई? देख लो गालों में गड्ढे पड़ते हैं। गड्ढे पड़ने से क्या हो जाता है, हर खांसने वाला केजरीवाल थोड़ी होता है। देखिए अगर आपने ज्यादा बदतमीजी की ना, हम आपकी मुख्यमंत्री जी से शिकायत कर देंगे। मुख्यमंत्री जी की कैसे शिकायत कर दोगे, उनके अंडर तो दिल्ली पुलिस नहीं आती, मैं तो हरियाणा से हूँ। मैं से ज्यादा बहस नहीं करनी, वरना ड्रिंक एंड बहस के केस में अंदर कर दूंगी मैं तुमको। तो ड्रिंक किसने की है? ड्रिंक मैंने की है, बहस तुम कर रहे हो मेरे साथ। आप ड्यूटी पे ड्रिंक करती हैं? मैं ड्यूटी पे नहीं पीती, कोई ड्यूटी करते हो, कोई फंक्शन हो रहा हो ना, प्रोग्राम ब्याह शादी का, उसमें थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ। तो जाइए आप अपना एंजॉय करिए, यहाँ पे शो चल रहा है। पहले ये प्रूव करो कि शाहरुख खान है, उसके बाद शो करना, मैं पता कर लेती हूँ आप शाहरुख खान है। जी मैं कैसे मान लूं? आप बोलो, मैं प्रूफ देता हूँ आपको। अच्छा प्रूव देंगे आप? अच्छा तो वो आपका एक ताल्लुक था मतलब शाहरुख खान का, अगर आप हो तो पता होगा ना, किरण वाला बोल के दिखाओ जरा। हाँ आई लव यू किरण। अच्छा मेरा नाम सुमन है तो सुमन बोल के दिखाओ जरा। हाँ एक सेकंड, आई लव यू। इतना ज्यादा सुसु मत करो, मेरा निकल जाएगा। एक मिनट, एक चीज और, मदन चोपड़ा की कितनी बेटियां हैं? मदन चोपड़ा की 2 बेटियां। नहीं नहीं, एक को तो धक्का दे दिया था आपने। अच्छा, एक शाहरुख खान। हाँ, एक बेटी हुई ना। एक मिनट, हाथ ऊपर करो जरा, वो जो शाहरुख खान करते हैं जैसे वो वाले। मैं नहीं मान सकती है शाहरुख खान है। क्यों, इतना बड़ा सुपरस्टार मेरी बात क्यों मानेगा? एक मिनट मुझे चेक करने दो जरा, फिजिकल टेस्ट कर लेती हूँ आपका। चलो उधर हो जाओ। हाँ अरे सिक्स पैक है शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान है, गड्ढे में भी दिखाओ तो जरा, शाहरुख खान है। बहुत ज्यादा फैन हूँ आप तो, दुनिया हो मेरी, आपको पता नहीं है। थैंक यू की कोई बात नहीं है उसमें कोई। हाय शाहरुख खान मेरे सामने खड़े हैं, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। देखिए आप
शाहरुख की कोई ज्यादा फैन वैन बनने की कोशिश नहीं करें। शाहरुख का सबसे बड़ा फैन गौरव है। गौरव नहीं है, सबसे बड़ा फैन ग्रोवर है। Who the hell is this Grover? मैं बता देती हूँ तुमको। मैं चाहता हूँ कि शाहरुख भाई सिर्फ आप ही को नहीं, यहाँ पे तमाम जितने लोग हैं सभी को वो वाला स्टेप सिखाएं, फिर हम लोग साथ में करेंगे। डन। अगर इन्होंने परफेक्ट कर लिया तो फिर हम सबको यही करवाएं। So put your hands up, everyone here. मैं तेरा हाय रे जबरा होय रे जबरा फैन हो गया। Once again, क्योंकि मेरा दिल्ली पर हक है और कपिल और जितने भी लोग यहाँ स्टेज पर हैं, हमारे म्यूजिशियंस हैं, they're the best talent this country has. So Saturday, Sunday, 9 बजे सोनी पर The Kapil Sharma Show. इतना देखेगा कि सबसे ज्यादा टीआरपी यहां से आए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू दिल्ली एंड थैंक यू कपिल। ओ उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना 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 मुझे छूना ना अब मैं जवां हो गई। उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना 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 मुझे छूना ना अब मैं जवां हो गई। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हर शनिवार रविवार रात 9 बजे द कपिल शर्मा शो। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग। थैंक यू।